फ्लोरास किचन में आज बन रहा है चटपटा गाठिया की सब्जी जो हम घर पे बनाएंगे। ना इसमें ऑनियन पड़ता है, ना गार्लिक, ना कोई ग्रेवी होती है, फिर भी ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए देख लेते हैं ये सब्जी बनाने के लिए हमको क्या चाहिए। गाठिया की सब्जी बनाने के लिए हमको सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए, वो है बेसन। यहाँ पर एक कप बेसन लिया है, साथ में मैं अजवाइन को क्रश करके बेसन के साथ मिला दूँगी, जिससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, अब हम ऐड करेंगे हींग, लाल मिर्च पाउडर, साथ में हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ हम थोड़ा ऐड करेंगे धनिया पाउडर, यहाँ मैं एक चम्मच धनिया पाउडर ले रही हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला, जिससे टेस्ट इसका बहुत ही बेहतरीन आएगा। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा तेल, जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं वही वाला तेल मोइन में यूज़ करेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे ताकि बेसन के साथ सारे प्रॉपर मिक्स हो जाए मसाले, और इसका हम मोइन करेंगे ऐसे ही। आप देख सकते हैं मोइन एकदम परफेक्ट बना है हमारा। तो अब क्या करेंगे, बेसन का आटा लगाएंगे। जब भी आप बेसन का आटा लगाते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है और इसका डो तैयार करना है। यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा ही पानी ऐड करके डो लगा रही हूँ। डो लगाने के बाद जितना डो बन जाए उतना साइड पर रखती जाऊँगी और दूसरा पानी लेके फिर से मैं डो लगाऊँगी। ऐसे करके पूरा आटा आपको बना के बिल्कुल रेडी कर देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको एकदम टाइट आटा लगाना है, इस बात का भी खास ध्यान रखें। यहाँ मेरा आटा बहुत ही टाइट है तो मैं हल्का सा पानी लूँगी और आटे को बहुत ही अच्छी तरह से मल लूँगी ताकि हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है, देख सकते हैं कितना टाइट है। अब हम इसको रेस्ट करने देंगे 10 से 15 मिनट तक। तो 10 से 15 मिनट के बाद हमारा डो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको एक बार अच्छी तरह मसल लेंगे और छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे ऐसे, हाथों की मदद से ऐसे आपको तैयार करना है गाठिया। आप देखिए, ऐसे मैं छोटे छोटे गाठिया बना के रेडी कर रही हूँ। वैसे ही आपको सारे डो का गाठिया बनाना है। ऐसे करके हम सारा गाठिया एक बार बना के रेडी कर देंगे ताकि हमको आसानी रहेगी सब्जी बनाने में। तो सबसे पहला काम यही रहेगा कि हम गाठिया बना के बिल्कुल तैयार कर दें। तो ऐसे ही आप करते जाओ और सारे गाठिया रेडी करते जाओ। यहाँ पर मैंने सारा गाठिया तैयार कर दिया है। ये देखिए, चिपचिप भी नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा डो बिल्कुल ही टाइट था। यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ा दिया है, उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना ऑयल ऐड करेंगे। एक कटोरी में हम सारे मसाले ऐड करेंगे जो हमने ऐड किए थे बेसन में, वही वाले मसाले ऐड करने हैं। थोड़ा सा पानी लेके इसकी एक ग्रेवी तैयार कर लेंगे। अब हमारा तेल भी हो गया है कुकर में, तो हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हींग ऐड कर देंगे, और जो हमने ग्रेवी बनाई है मसाले की वो ऐड कर देंगे कुकर के अंदर, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे सारे मसाले अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पक गया है, तो ऐड करेंगे हम इसमें 2 ग्लास जितना पानी और इसको हम उबलने देंगे। उबलने के बाद हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, और जो हमने गाठिया रेडी किया है ना, वो सारे गाठिया हम कुकर के अंदर ऐड कर देंगे। एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब कुकर की लिड लगा के इसकी 2 या 3 सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं 3 सीटी के बाद हमारे गाठिया बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बिल्कुल पक गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे फेटा हुआ दही, ये मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए गैस पे रख देंगे। जैसे ही ये खोलने लग जाए तो हमारी सब्जी तैयार हो गई है। अगर आप चाहो तो गार्निशिंग के लिए धनिया भी ऐड कर सकते हो। यह हमारी गरम गरम गाठिया की सब्जी तैयार है, साथ में पराठा भी। तो है ना फ्रेंड्स, एकदम इजी और एकदम झटपट बन जाने वाली गाठिया की सब्जी।
तो फ्रेंड्स आप भी ये सब्जी घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये सब्जी कैसी लगी, और मेरा ये वीडियो फ्रेंड्स फैमिली में शेयर जरूर करें।